Hello, future doctors of India. Welcome back to the Mantra family. I am Varun Agrawal and this is your channel of Mantra Biology. जैसे कि last lecture में हमने vascular tissue system के बारे में पढ़ा था कि vascular tissue system के अंदर तीन important part होते हैं jejunum, phloem and intrafascicular cambium या fascicular cambium. ये तीन चीजें हमने पढ़ी थी. ठीक है, अब इन तीन चीजों के बाद में अभी हमारा vascular system आगे हम continue करेंगे. यहाँ पे हम types of vascular system के बारे में पढ़ेंगे. There are the three types of vascular bundle present in the plant. Radial vascular bundle, conjoint vascular bundle and the concentric vascular bundle. हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे. Radial vascular bundle में क्या होता है कि jejunum और phloem basically जो ये vascular bundle के form में होते हैं, मतलब गुच्छों में पाए जाते हैं jejunum और phloem. ये basically एक particular एक different radii के ऊपर present होते हैं. मतलब एक कहीं और होगा, एक कहीं और होगा, different एक radius के ऊपर ये present होते हैं radial vascular bundle में jejunum और phloem. ऐसा जो अरेंजमेंट होता है बेसिकली रूट्स के अंदर, बेसिकली दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेडियल सच एज इन रूट्स. रूट्स के अंदर बेसिकली इस तरह का अरेंजमेंट पाया जाता है एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन द फाउंड इन अ रूट ओनली एंड दिस इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल. अब क्या होता है, देखिए पिक्चर देखिएगा, देखिए यहाँ पे पिक्चर देखिए. इसमें क्या होता है, देखिए ये आपका जाइलम है, ये आपका फ्लोएम है और बिकॉज ऑफ दैट इसके अंदर कोई भी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इसके बीच में अभी कभी प्रेजेंट नहीं हो सकता. ये सबसे पहले टाइप का ऐसा वैस्कुलर बंडल्स बने थे. फिर आपका है कॉनजॉइंट वैस्कुलर बंडल. इसमें क्या होता है, कॉनजॉइंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम जॉइंटली आपका एक ही रेडियस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं कॉनजॉइंट के अंदर, जो आपका लीफ और स्टेम के अंदर पाया जाता है. लेकिन कॉनजॉइंट को भी हम डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, कोलेट्रल कॉनजॉइंट वैस्कुलर बंडल और होता है बाई कोलेट्रल कॉनजॉइंट वैस्कुलर बंडल. अब आपका जो आता है कोलेट्रल कॉनजॉइंट वैस्कुलर बंडल, ओके ये अब इसमें क्या है कि बेसिकली जो जाइलम होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं और फ्लोएम आपका बाहर की तरफ होते हैं. जो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा ये पैचेस में होते हैं, मतलब गुच्छों के अंदर ही पाए जाते हैं, पैचेस के अंदर ही पाए जाते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम अगेन द वैस्कुलर बंडल इट मे बी ऑफ टू टाइप्स. आइदर देखिए होगा हमेशा जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ होगा कोलेट्रल कॉनजॉइंट के अंदर. लेकिन या तो अगर फैसुलर कैम्बियम प्रेजेंट है या तो ओपन होगा या फिर क्लोज होगा. यहाँ पे देखिए आइदर दैट इज अ क्लोज, फ्लोएम बाहर की तरफ है, जाइलम अंदर की तरफ है, लेकिन कोई भी इंट्राफेसुलर कैम्बियम रिंग प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे कैम्बियम रिंग इसके अंदर प्रेजेंट है, दैट इज दैट्स व्हाई इट्स ओपन. Now the collateral conjoint vascular bundle, ये थोड़ा सा different होता है. इसमें क्या होता है, phloem outside और inner side दोनों side present होता है और jejunum उसके बीच में होता है. इसे बोलते हैं bicollateral conjoint vascular bundle. ठीक है, two phloem patches are present on outside and jejunum are present in the inside. ठीक है, they are always present in the cucurbitaceae family के अंदर ही present होते हैं और ये open type के होते हैं, मतलब इनके अंदर vascular जो आपका intrafascicular cambium ring होती है ये इसके अंदर पाई जाती है. देखिए यहाँ पे देखिए कॉनजॉइंट कोलेट्रल एंड बाइकोलेट्रल, इसको क्लोज ये ओपन और ये आपका हो गया बाइकोलेट्रल, जिसके अंदर ये आउटर फ्लोएम हो गया, ये इनर फ्लोएम हो गया, ये जाइलम हो गया, ये आउटर कैम्बियम रिंग हो गई, ये इनर कैम्बियम रिंग हो गई. ठीक है, नाउ द कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल सिस्टम. इसमें क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम दूसरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम से ऑलवेज सराउंडेड रहता है. इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल. कैसे, या तो जाइलम फ्लोएम से कवर रहेगा या फ्लोएम जाइलम से कवर रहेगा. ठीक है, और ऐसे हमेशा क्लोज टाइप के रहेंगे क्योंकि अब एक दूसरे के ऊपर सराउंड करेंगे तो वैस्कुलर रिंग कभी उसके अंदर इंटरकैम्बियम रिंग कभी प्रेजेंट ही नहीं होगी. ओके, ये बेसिकली स्टेम के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं. स्टेम के सेंटर में ये दे आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ स्टेम एंड दे आर कॉल्ड द कॉन्सेंट्रिक टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल. ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, टेरिडोफाइटा प्लांट के स्टेम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं. टेरिडोफाइटा जो प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं. दो टाइप के मिलेंगे, एम्फी वेसल कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल या इसको हम लेप्टोसेंट्रिक कहेंगे, या एम्फीक्राइबल कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल, इसको हार्डोसेंट्रिक कहेंगे. देखिए मैं समझाता हूँ कैसे. जहाँ आप आता है एम्फी वेसल, ठीक है, एम्फी वेसल या लैप्टोसेंट्रिक, देखिए एम्फी वेसल कॉन्सेंट्रिक या फिर वेस्कुलर बंडल लैप्टोसेंट्रिक. लैप्टोसेंट्रिक ध्यान रखिएगा, लैप्टो वर्ड बेसिकली हम यूज करते हैं फ्लोएम के लिए, मतलब फ्लोएम आपका अंदर की तरफ है और एम्फी मतलब जो जाइलम है उसकी पेरिफेरी के ऊपर है. एम्फी क्राइबल बात करेंगे तो क्राइबल बेसिकली हम यूज वर्ड यूज करते हैं, क्राइबल यूज करते हैं फ्लोएम के लिए. और यहाँ पे हार्डोसेंट्रिक लिखा हुआ है, मतलब जाइलम सेंटर में है उसके चारों तरफ फ्लोएम है. ठीक है, जैसे देखिए एम्फी वेसल के अंदर जाइलम वेसल सराउंड द फ्लोएम. ठीक है, सराउंड द
फ्लोएम, मतलब जाइलम वर्सेस बाहर की तरह में फ्लोएम को वो सराउंड करता है, बेसिकली पाया था यक्का प्लांट के अंदर। एम्पीक्राइबल्स कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल जो हाइड्रोसेंट्रिक होता है, ये फ्लोएम सराउंड करता है जाइलम वर्सेस को, और ये पाया था फर्न एंड लाइकोपोडियम में। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए पूरा पिक्चर आपको दिखाई दे जाएगा एम्फिस वेसल्स के अंदर, एम्फिक्राइबल के अंदर। अब जस्ट ये जस्ट डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस कैसे, वेस्कुलर बंडल डाइकोटिलेडोन सिस्टम और वेस्कुलर बंडल मोनोकोटिलेडोन सिस्टम। अगर आप देखेंगे डाइकोटिलेडोन के अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं यूनिफॉर्म होते हैं, रिंग के अंदर अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्टेम के बारे में। रूट में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे अरेंज नहीं थे, रूट में तो क्या था कि बेसिकली एक डिफरेंट डिफरेंट रेडाई के ऊपर प्रेजेंट थे, रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप मोनोकोटिलेडन के बारे में बात करेंगे तो ये बेसिकली स्कैटर होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, दैट्स व्हाई इसके बिखरे होने की वजह से इसके अंदर पिथ एबसेंट होता है। फ्लोएम कैरेंकाइमा प्रेजेंट होता है लेकिन मोनोकोट के अंदर फ्लोएम पैरेंकाइमा एबसेंट होता है। अगर हम डाइकोटिलेडन की बात करेंगे तो इसके अंदर कॉन्जॉइंट ओपन होता है, कॉन्जॉइंट कोलेट्रल ओपन वेस्कुलर बंडल होता है, इसमें कॉन्जॉइंट कोलेट्रल क्लोज सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है, क्लोज वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, इसमें एब्सेंट होती है। बंडल शीट इसमें एब्सेंट होती है, हाँ मोनोकोटिलेडोन के अंदर वेस्कुलर बंडल बेसिकली बंडल शीट के थ्रू कवर होते हैं, ओके बंडल शीट के थ्रू कवर होता है क्योंकि इस बंडल शीट के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, वाटर कैविटी इसके अंदर एब्सेंट होती है, इनके अंदर वाटर कैविटी पाई जाती है। जस्ट इट वॉज जस्ट बेसिक चीज, बहुत छोटा सा टॉपिक था आज का। तो ये हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ। हाँ, फिर भी मन में कुछ क्वेश्चंस हैं, मेरे मन में भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपके में कुछ डाउट्स होंगे, वो डाउट्स मैंने आज के लेक्चर में है पढ़ा है, तो बहुत सारे डाउट जनरेट किए मैंने, कुछ चीज़ों को मैंने अभी हिडन रखा है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो डाउट्स आप जनरेट करें, वो पता है कौन सी हिडन चीज़ें थी, वो चीज़ आप दो तीन बार पढ़ेंगे जब आपको समझ में आएगा। ठीक है, वो डाउट्स मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूँगा, मैं पूछूंगा आपसे कौन कौन से डाउट्स हैं, तो वो डाउट्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए। ओके,